नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर के निकायों के मनमानी रवैये के कारण शहर के निजी शौचालयों के सेप्टिक टैंक की सफाई का काम करने वाले टैंकर मालिकों ने सोमवार को जिले के उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। इस संबंध में टैंकर संचालकों ने बताया कि इस काम के एवज में जमशेदपुर के अंतर्गत संचालित तीनों निकायों द्वारा अलग अलग निबंधन कराने का दबाव बनाया जाता है, जो उनके लिए संभव नहीं है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करने के उद्देश्य से इस कार्य का संचालन हो रहा है, ताकि लोगों के शौचालय की टंकियां भर जाने पर उन्हें परेशान ना होना पड़े। इन्होंने पूरे जिले में गाड़ियों के संचालन हेतु एक परमिट निर्गत किए जाने की मांग की। सभी निकायों में निबंधन कराकर टैंकरों का संचालन संभव नहीं है। वहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जिला प्रशासन उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेती है तो मजबूरी वश इन्हें अपना धंधा बंद करना पड़ेगा। सामाजिक सेवा संघ की ओर से शौचालय टंकी सफाई जो करते हैं उसका गाड़ी मालिकों की ओर से डीसी साहब को मांग करना है कि जमशेदपुर जेनेसी नगर पालिका और मानगो जेनेसी सब जेनेसी और नगर पालिका से अलग अलग रजिस्ट्रेशन का मांग किया जा रहा है गाड़ी मालिकों को, और अवैध शुल्क मतलब बढ़ा के शुल्क लिया मांगा जा रहा है जो गाड़ी मालिक लोग देने में असमर्थ है। हम लोग सामाजिक सेवा संघ की ओर से मांग करते हैं कि ये जिला वाइज हो और डीसी के माध्यम से जिला में ही रजिस्ट्रेशन हो और उस जिला के रजिस्ट्रेशन से हम लोग पूरा जिला में गाड़ी को चला सके, और इसके लिए हम लोग आज एक दिवसीय हड़ताल भी रखे हैं रहाड़गोड़ा में। पूरा गाड़ी को खड़ा करके, सफाई गाड़ी को खड़ा करके हड़ताल का माध्यम से डीसी साहब को भी जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम लोग इसको हड़ताल कर रहे हैं, और इसका समर्थन में हम लोग डीसी साहब से यही बोलेंगे कि पूरा जिला वाइज एक रजिस्ट्रेशन उचित शुल्क निर्धारित करें, इससे गाड़ी मालिकों को भी राहत। तो हम लोग चाहते हैं कि एक मिनिमम राशि तय की जाए जो हम लोग देने में सक्षम हो, और हम लोग को बार बार परेशान किया जा रहा है, इसलिए हम लोग डीसी साहब के पास में आए हैं कि हम लोग का समाधान निकाला जाए। जो मुआवजा है, जो राशि है, जो सरकारी राशि है, वो हम लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोगों को इसलिए बार बार परेशान किया जा रहा है कि उन्होंने ज्यादा राशि के लिए, तो ये तो भाई हम लोग नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम लोग उसमें सक्षम नहीं है। क्योंकि एक जगह हो तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन मैंने जितना नगर पालिका है सभी को देना है, ये तो संभव नहीं हो पाएगा। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।